वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर लाइक ऑलमोस्ट 2 वीक्स नाउ, यू मस्ट हैव गॉट यूज्ड टू इट. तो आदत पड़ गई होगी सबको कि भाई संडे इंग्लिश की क्लास होनी होनी है हमारी, राइट? तो वी हैड डन जर्नी ऑफ द अर्थ, वी हैड स्टार्टेड विद इट. आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आई होप यू गॉट द नोट्स. और नोट्स आपने पढ़ लिए होंगे उसमें. नोट्स हेल्पफुल रहे या नहीं इसका कुछ अभी पता नहीं है, कोई फीडबैक नहीं मिल पाया अभी तक नोट्स के बारे में. आगे चलते हैं उसी पेज पर. इट सेज फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 वीक्स इन अ प्लेस सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन. अब इस फ्रेज से हमें क्या पता लग गया कि जो ऑथर है शी बिलोंग्स टू साउथ इंडिया, एंड एज यू नो मैनी इंडियंस इन इंडिया दे वर्शिप द सन, सूर्य देवता की पूजा करते हैं. तो उसने कहा मैं सूर्य देवता की पूजा करती हूँ. फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड. इंपॉर्टेंट डिटेल, 90% ऑफ द टोटल अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड. जितनी भी बर्फ जमी है ना दुनिया में, जितनी आप इमेजिन कर सकते हैं कि है जहां जहां पर, उसमें से 90% कहां है, दैट इज इन दिस प्लेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट एंटार्क्टिका. आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट. चिल बड़ा कॉमन वर्ड है ना, चिल वैसे भी हम यूज करते हैं. चिल, चिलिंग इनफैक्ट इज समथिंग दैट मेक्स यू फील वेरी कोल्ड, फ्रीजिंग. तो कह रहे इसका चिलिंग प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट मतलब क्या, एक पॉसिबिलिटी. नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस. तो यहां पे टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. ओके, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, आप एंटार्क्टिका जाएंगे तो आपके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब क्या इफेक्ट्स होंगे उसके एंटार्क्टिका जाने के. तो वो कह रही है 2 चीजों पर, सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस. नाउ व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स आर वी टॉकिंग अबाउट. सर्कुलेटरी, क्या सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ऑल ऑफ अस नो ब्लड इज सर्कुलेटिंग. मेटाबॉलिक फंक्शन, बहुत सारे चल रहे हैं हमारे अंदर मेटाबॉलिक फंक्शंस. बॉडी में कितने सिस्टम्स चल रहे हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है. तो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, सर्कुलेटरी फंक्शंस है. अब ये जो फंक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में ना, ये एक ऑप्टिमम नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में काम करते हैं. सपोज करो आप चले गए एंटार्क्टिका और यू गो टू सम प्लेस विच हैज सब 0 डिग्री टेम्परेचर्स, जहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत कम है. ऐसे हमारे यहाँ दिल्ली में हम क्या कम टेम्परेचर मानते, भाई जनवरी में सर्दी पड़ गई जो 5 हो गया टेम्परेचर, हो गया 10 हो गया टेम्परेचर, बड़ी ठिठुर गए हम तो. बट देर आर प्लेसेज इन द वर्ल्ड, इन इंडिया इट सेल्फ, वेयर द टेम्परेचर गोज माइनस सब 0 डिग्री टेम्परेचर्स. ओके, लाइक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सियाचिन का नाम सुना होगा आपने, वेयर अवर ब्रेव सोल्जर्स आर प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर ऑफ द नेशन. तो वहां पे कितना टेम्परेचर डाउन जाता है, इट गोज -25, -30 और इससे भी नीचे जाता है टेम्परेचर. तो उसका इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, बिकॉज अवर बॉडी इज नॉट सूटेड फॉर दैट. अब हमारी बॉडी जैसे मैंने बताया एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में, ऑप्टिमम रेंज में, एक्सट्रीम में नहीं करेगी. एक्सट्रीम में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा. तो वही इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर. जैसे एक्सट्रीम कोल्ड में चले जाओगे हाइपोथर्मिया हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर वो बात कर रहा है सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. इट इज सो कोल्ड बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग कोल्ड, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन. सो इफेक्ट यू कैन सी इन द नोट्स, इफेक्ट्स ऑफ बींग इन एंटार्क्टिका. पहला सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ गया, फिर मेटाबॉलिक आ गया, फिर इमेजिनेशन पे आ गया. इम्पैक्टेड अफेक्टेड, ये तीनों चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये तीनों चीज़ों पर असर पड़ता है अगर आप एंटार्क्टिका जाते हैं. तीनों चीज़ें प्रभावित होती हैं आपकी. ये इज दैट क्लियर. इम्पैक्टेड के नीचे मैंने अफेक्टेड लिखा, ये थोड़ा मैंने इसलिए लिख दिया आपके लिए कि कई बार हमको एक कन्फ्यूजन रहता है बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट. So I have written it here. Like I say, harmful effects of polythene bags. So वहाँ पर effects में आप देखेंगे E आएगा, EFFECTS, effects, which is a noun. और यहाँ जो लिखा है affected, this is a verb. So harmful effects of poly bags is a noun and here it is a verb. What is affected? What is impacted? किस चीज पर असर डालता है वो temperature? इन तीन चीजों पर असर डालता है, सर्क्यूलेटरी, मेटाबॉलिक, इमेजिनेशन. अब इमेजिनेशन कैसे, इमेजिनेशन आप देख लें, उसका एग्जाम्पल दिया ऑथर ने बुक में. इट्स लाइक वॉकिंग टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल. यू हैव सीन अ पिंग पोंग बॉल, दैट वाइट बॉल, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स. नाउ
वो कह रहे हैं एंटार्क्टिका आप पहुंच गए, वहां पे आप चल रहे, वहां पहुंच गए, यू आर वॉकिंग, हाउ विल यू फील? बिकॉज दैट इज अ प्लेस यू कांट इवन इमेजिन, यू कांट इवन इमेजिन लाइक हाउ इट इज, बिकॉज वी आर बॉर्न इन द सिटी, तो हमें तो आदत है, जैसे हम घर से निकलते हैं तो किसी ना किसी से टकरा जाते हैं, कुछ ना कुछ नजर आता है हमें, घर से निकलते हैं कोई ना कोई मिल जाता है, वहां पे क्या है, टोटली डेजर्टेड, टोटली आइसोलेटेड, नो ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन मतलब इंसान वहां रह ही नहीं रहा, नो ह्यूमन हैबिटेशन, तो क्या डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ यानी विदाउट, डिवॉइड ऑफ, जैसे हमने लॉ स्प्रिंग में यूज किया था दैट द स्लम इज डिवॉइड ऑफ सैनिटेशन, स्लम इज डिवॉइड ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स वंचित है उससे, बिना ह्यूमन मार्कर्स। अब ये ह्यूमन मार्कर क्या होता है, मार्कर तो सब जानते हैं क्या होता है, ये ह्यूमन मार्कर क्या है भाई, ह्यूमन मार्कर जो है ना, ह्यूमन मार्कर है इंसान के निशान, ह्यूमन मार्कर्स कैसे, जहां भी इंसान है वहां वो अपने जो है मार्क्स छोड़ता है, आप देखो जहां भी जाएगा वहां पे वो अपने निशान छोड़ेगा, ह्यूमन मार्कर्स बोलते हैं उनको। व्हाट आर द ह्यूमन मार्कर्स, लाइक अ पर्सन, एक डेसोलेट एरिया, आइसोलेटेड एरिया, वहां पे इंसान पहुंच गए तो अब क्या करेंगे, वो सबसे पहले घर बनाएंगे ना, तो हाउस इज अ ह्यूमन मार्कर, देन दे विल कुक, देन दे विल स्प्रेड गार्बेज, दीज आर ऑल ह्यूमन मार्कर्स, देन देर आर साइन बोर्ड्स, ह्यूमन मार्कर्स, जो ह्यूमन प्रेजेंस को दिखाता है, विच शोज ह्यूमन प्रेजेंस इज अ ह्यूमन मार्कर्स। तो आर देर एनी ह्यूमन मार्कर्स इन एंटार्क्टिका, नो नन, वाई, देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है तो ह्यूमन मार्कर्स कैसे होंगे, सो देर आर नो ह्यूमन मार्कर्स इन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका इज डिवॉइड ऑफ एनी सच काइंड ऑफ थिंग, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे कि आप रिलेट कर पाए, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ परस्पेक्टिव एंड टाइम हेयर, ओके, सो इट्स गिवन, वन लूजेज अर्थली सेंस ऑफ परस्पेक्टिव एंड टाइम, कैसे भाई, आप कैसे देखते हैं टाइम, आप वॉच देखते हैं, डे एंड नाइट का आपको टाइम मालूम है, एवरेज लगभग थोड़ा घटता बढ़ता है समर्स में, विंटर्स में, बट वहां एंटार्क्टिका में इट इज एंटायरली डिफरेंट, एंटार्क्टिका इज अ डिफरेंट स्टोरी, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ परस्पेक्टिव एंड टाइम हेयर, मीन्स जैसे कि आप अपने सराउंडिंग्स को देख, परस्पेक्टिव क्या है, द वे वी लुक एट थिंग्स, दैट इज अ परस्पेक्टिव, सो देयर इट चेंजेस, हाउ वी लुक एट थिंग्स इट चेंजेस एंटायरली, हाउ वी लुक एट टाइम इट चेंजेस एंटायरली, यू नो ओवर देयर देयर आर लॉन्ग डेज एंड लॉन्ग नाइट्स, रात में ही जागते हैं लोग, रात में, दिन में ही सोते हैं, तो दे हैव टू डिवाइड इट लाइक दैट, बिकॉज यू वी कांट जज इट बाई द नॉर्मल वॉचेज, विजुअल स्केल, विजुअल स्केल यानी कि जो हम विजुअल क्या है, अब आपको ये दिख रहा है सामने ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी पेज नंबर 4, दिस इज विजुअल, अर्लियर इट वॉज ओनली ऑडियो, पहले सुनाई देता था ना सिर्फ, स्क्रीन पे कुछ नहीं आता था, तो दिस इज विजुअल, सो विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, वॉट इज माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, मीन्स वहां पर विजुअल स्केल, जैसे आपने एक स्केल बनाया, एक पैमाना बनाया, उस पर एक एंड पे तो क्या है, देर इज द माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स विच यू कांट सी, विच यू नीड फॉर नीड अ माइक्रोस्कोप देखने के लिए, और माइटी मीन्स ह्यूज, तो कह रहा है क्या है, मिजेज एंड माइट्स, मिजेज एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स, अब तुम देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ब्लू वेल्स आप जानते हैं, ह्यूज, ओके, व्हाट आर मिजेज, मिजेज आर फ्लाइज, यू कैन से फ्लाइज, ओके, छोटे छोटे फ्लाइज हैं, एंड माइट्स, व्हाट आर माइट्स, माइट्स होते हैं, माइट्स आर टिपिकल लाइक जैसे स्पाइडर्स होते हैं ना, स्पाइडर्स, मकड़ी और ये बेड बग्स, खटमल, ये सारे माइट्स की स्पीशीज हैं, तो कहते हैं इतने छोटे से लेके कितने बड़े तक है वहाँ पे जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ब्लू वेल्स तक, अब तुम देख लो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम से, मतलब सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से ब्लू वेल तक, और क्या है, एंड आइसबर्ग्स, ऑल ऑफ यू नो आइसबर्ग्स, टाइटैनिक जिससे टकराया था, दैट वॉज एन आइसबर्ग, आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, तो इतने बड़े बड़े ह्यूज आइसबर्ग्स, वी इमेजिन आइसबर्ग्स, हाँ भाई आइसबर्ग है, इट्स अ माउंटेन ऑफ आइस, कितना बड़ा माउंटेन हो, कह रहा है लाइक कंट्रीज, कौन सी कंट्री को लिया उसने, बेल्जियम, डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, ओके, एंड अ यूबिक्यूटस साइलेंस, अब ये दिस पैराग्राफ विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड टू बी वेरी फ्रेंक, इसमें से क्वेश्चंस, यू डोंट गेट मेनी क्वेश्चंस, बट यू शुड नो के हो क्या,
and ubiquitous silence uninterrupted only by the occasional avalanche. Now, in the notes you can see it's given in blue whales, iceberg, silence all around, interrupted by avalanches, carving ice sheets. Ice sheets can huge pieces of ice, they are caving. I think it should be caving. Ye book mein bhi galat de rakha hai. Calving nahi hota, caving hi hoga. Caving means falling. Ubiquitous means which is spread all around. Austral summer light. Austral is a kind of a, austral is given, austral summer, mild, and you can see in the notes. Mild weather in Antarctica, October to February, but can change suddenly. तो जो mild weather होता है ना, mild क्या होता है? Opposite of extreme. एक तो है बहुत ज़्यादा. जैसे अभी जो हमारी heat चल रही है ना, mild है. अभी extreme होने वाला है, मई जून में extreme हो जाएगा. अभी mild चल रहा है. तो ऐसे mild weather होता है Antarctica में. कब से कब होता है? अक्टूबर टू फरवरी होता है. लेकिन उसमें क्या है, वो बदल सकता है अचानक. ऐसे नहीं कि माइल्ड, और माइल्ड में ऐसे नहीं धूप वूप निकल रही है, नो नॉट दैट. सब फ्रीजिंग टेम्परेचर ही रहेगा, लेकिन चेंज हो जाएगा सडनली. किस में? सडनली देर विल बी स्नो स्टॉर्म्स, देर विल बी ब्लिजर्ड्स, देर विल बी स्नोफॉल अगेन, इट विल स्टार्ट स्नोइंग, ऑल दैट. यूबिक्विटस में चारों तरफ क्या है? साइलेंस ही साइलेंस. कॉन्सेक्रेट्स द प्लेस. कॉन्सेक्रेट वर्ड क्या होता है? कॉन्सेक्रेट मीन्स इट मेक्स, to make something pious, पवित्र, किसी चीज़ को पवित्र बना देना. तो वो कहते हैं वहाँ की जो प्योरिटी है ना, देखो कैस क्यों क्यों प्योर है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स नहीं है तो प्योर है वहाँ पे सब कुछ. इट्स प्योरिटी. इट इज़ एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड. प्रोग्नोसिस मीन्स जो आगे की पॉसिबिलिटीज़ हैं. एंटार्क्टिका जाके हमको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हमारा जो फ्यूचर है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है. देर इज़ समथिंग वी हैव टू वरी अबाउट, देर इज़ समथिंग वी विल हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट. चिंतित रहना पड़ेगा हमें उसके लिए. ह्यूमन इम्पैक्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ह्यूमन इम्पैक्ट. इम्पैक्ट ऑल यू नो द इफेक्ट. ह्यूमन इम्पैक्ट. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वट इज़ ह्यूमन इम्पैक्ट. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरली भी. आपको अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ लिखना आता है तो यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है आपको. सो बी वेरी यू नो अटेंटिव टू दिस. ही बिगिंस विद ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पोल्ट्री 12,000 ईयर्स. ह्यूमन सिविलाइजेशन में ह्यूमंस को अर्थ पे आए हुए कितना समय हुआ? 12,000 साल. पहले हम अपीयर हुए थे तो 12,000 साल हो गए. बहुत लंबा समय, बहुत बड़ा वक्त है भी 12,000 साल तो. लेकिन जब वो कहता है कि बेयरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, बेयरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, व्हाट डज दैट मीन? एक क्लॉक तुमने देखा है, 1 से 12 तक होता है, या डिजिटल क्लॉक होता है 24 तक होता है. वो कह रहे जियोलॉजिकल क्लॉक क्या? जैसे अभी हमने बात करी थी 550 मिलियन 650 मिलियन साल, राइट? सो जियोलॉजिकल क्लॉक जो है ना, वो क्लॉक है जब से जो सब हुआ. अर्थ कब बना, डायनासोर्स कब अपीयर हुए, डायनासोर्स कब डिसअपीयर हो गए, व्हेन डिड लाइफ मूव फ्रॉम सी टू द लैंड, ये सब चीज़ों को उन्होंने एक क्लॉक के ऊपर दिखाया कि किस चीज़ को कितनी देर हो गई आए हुए. वो क्लॉक मेरे पास है, मैं शेयर करूँगा आपके साथ उसका पिक. या जियोग्राफी वालों ने तो शायद पढ़ा भी, देखा भी होगा कहीं ना कहीं. बाकी लोगों के लिए हम शेयर करेंगे उसे. तो उस क्लॉक के अगर हम हिसाब से देखें ना, तो कितना वक्त हुआ इंसान को आए हुए? ओनली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक. तो वो जियोलॉजिकल क्लॉक में देख रहा था, उसमें 11:58 पर अपीयर हुए ह्यूमन बींग्स, और अब बज रहे हैं 12 उस जियोलॉजिकल क्लॉक. मतलब वही बात होगी, कुछ ही सेकंड हुए हमको आए. बट ही सेज ऑल्दो वी हैव हैड अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑन दिस प्लैनेट, वी ओरिजिनेटेड ऑन वेरी शॉर्ट टाइम बैक ऑन दिस प्लैनेट, बट व्हाट हैव वी डन? किया क्या है हमने? We have, in that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus. So what have humans done? Important phrase you have to keep in mind, ye dhyan mein rakhna hai, created a ruckus. Ruckus kya hota? R-U-C-K-U-S. Bahut, bahut asaan hai, ratna nahi hai koi meaning, aise hi samajh lo. Apne upar rakho, life se connect karo usko, pata chal jayega ruckus kya hai. Bhai teacher class mein, everything is disciplined in order, badhiya chal rahi hai class. Ab teacher chale gaye class se bahar. ठीक है, देर इज अ हंगामा इन द क्लास. ओके, पीपल आर रनिंग हेयर एंड देयर, भाग रहे हैं इधर से उधर, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है. ये हो गया रकस. अंडरस्टैंड? हंगामा मचा दिया. तो देख लो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया. एंटार्क्टिका जाके देखो, एकदम पीसफुल, प्योर, राइट? एंड यू लुक एट योर प्लेस.
अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कोई हंगामा नहीं, देखो इतनी आसानी से पढ़ा भी नहीं पाते, देयर वुड बी सो मेनी नॉइजेस, सो दैट इज अ रकस. सो वी हैव क्रिएटेड क्वाइट अ रकस वेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं इंडिया की और दिल्ली की बात हो रही है, एवरीवेयर. इट्स नॉट द क्लासेस, इट्स द वर्ल्ड. एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद अवर विलेजेस टाउन सिटीज एंड मेगा सिटीज, इज इट टू अंडरस्टैंड. देखो जहां पे आबादी बढ़ी तो विलेज बन गए, विलेज से टाउन बन गए, टाउन से सिटी बन गए, सिटी से मेगा सिटी बन गया. तो अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं जब ये चीजें बन रही हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं नेचर को, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं नेचर के ऊपर. और उसको एच, ई टी सी एच एक वर्ड है, एच, एच मतलब क्या होता है, कभी आपने देखा होगा जैसे गाड़ी के शीशों पर उनका नंबर खुदा हुआ होता है, यू मस्ट हैव सीन, या किसी बाइक के जो मेटल पार्ट है उसके ऊपर ड्रिल से उसका नंबर लिख देते हैं, वेरी कॉमन थिंग. या हम किसी जैसे वी सी वेरी वेरी लाइक अनसिविलाइज्ड एंड ऐसे लोग जिनके पास सेंस नहीं है, अनसिविलाइज्ड, जिनकी परवरिश बहुत अनसिविलाइज्ड है, व्हाट डू? दे गो टू द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जाते हैं वो हुमायूंस टूम रेड फोर्ट और लेते हैं और एक पत्थर और वो जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी दीवारों पर रगड़ रगड़ के लिखना शुरू कर देते हैं, ऑल दैट नॉनसेंस. पीपल विद लो अपब्रिंगिंग, जिनकी परवरिश उनके माँ बाप ने ठीक से नहीं की, जिनको बेचारों को सेंस नहीं है, दोज दे डोंट हैव एनी प्राइड इन देयर हिस्ट्री, तो वो एच कर देते हैं अपना, रगड़ के चट्टान पे या उस पत्थर पे अपना नाम वगैरह कुछ लिख देते हैं कि भाई हाँ सो एंड सो 2020. अब ये एच हो गया, वो हट सकता है? वो हट नहीं सकता, दैट इज एच. सो सम पीपल हैड ट्राइड टू डू दैट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो लास्ट टाइम, फाइन. तो एच समझ में आ गया ना आप सबको, डोमिनेंस ओवर नेचर विद अवर विलेजेस. तो हमने क्या किया, हमने नेचर के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की. द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. हाँ ये भी चल रहा है. अब ऑल ऑफ अस नो रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं. वाटर देख लो, ऑल ऑफ अस नो दैट देर इज अ फियर दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट फॉर वाटर, किसी और चीज के लिए नहीं, पानी के लिए जंग होने वाली है. तो ऐसी हमारी जंग जो है ना इंसानों के साथ ही नहीं चल रही, दूसरे स्पीशीज के साथ भी चल रहा है. कैसे, क्लैश बिटवीन, अब तुम देखो बंदर आ जाते होंगे तुम्हारे घरों के, मंकीज, व्हाट डू? दे क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस. क्यों आते हैं भाई? बिकॉज वी हैव कट डाउन द ट्रीज, दे डोंट गेट द फ्रूट्स ओवर देयर, दे डोंट गेट देयर डाइट ओवर देयर, तो आते हैं फिर ह्यूमन हैबिटेशन में आ जाते हैं. टाइगर, मतलब टाइगर और ह्यूमन, टाइगर मैन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैन ईटर बन जाते हैं टाइगर. क्यों? बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. And what are we doing? We are encroaching upon their resources. Understand? Encroaching मतलब हम उनके घुसपैठ कर रहे हैं उनके areas में जहाँ पे जानवर थे. तो conflict हो रहा है हमारा, conflict हो रहा है हमारा उनसे भी. And the unmitigated burning of fossil fuels. हाँ जी, fossil fuels आप सब जानते हैं. Unmitigated बिल्कुल non stop fossil fuels. क्या हालत हो गई दुनिया की pollution की वजह से. अभी देखो नहीं pollution कितना कम हो गया आजकल due to the lockdown. Because no fossil fuels are being burnt, no vehicles are being driven around, which is slowly but surely increasing the average global temperature. So burning of fossil fuels ne kya kiya, it has led to the increase in the average global temperature pura, jiski wajah se bahut sari cheeze ho rahi hain, global warming etc. Right, moving on. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates in our time. Article bhi likhte hain hum, हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज, क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे, इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड एंड इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. वी आर ऑल कंसर्न अबाउट इट दैट व्हाई इज द क्लाइमेट चेंजिंग, इट शुडंट चेंज सो ड्रास्टिकली. सो नाउ देर आर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज विच आई हैव रिटन, थ्री क्वेश्चंस विच आई हैव रिटन हियर. विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? लो भाई बड़ा वाजिब सा सवाल है. अगर ऐसे ही ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहा, क्लाइमेट चेंज होता रहा, तो क्या वेस्ट एंटार्क्टिक शीट जो है पूरी तरह पिघल जाएगा? और क्या सवाल है. विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट भी डिसरप्टेड? ओशन करंट्स आप जानते हैं वार्म एंड कोल्ड होती हैं, तो एक गल्फ स्ट्रीम है डिसरप्टेड, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी फ्लो में कुछ चेंजेस आ जाएंगे. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? सो दीज आर द क्वेश्चंस. आर वी मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या हम क्या दुनिया उस अपने खात्मे की तरफ जा रही है? मे बी नॉट. इधर वे एंटार्क्टिका इज अ क्रूशल एलिमेंट इन दिस डिबेट. पता नहीं, वी कांट से कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते दुनिया खत्म हो रही है नहीं हो रही, लेकिन एंटार्क्टिका की अहमियत बहुत है इस मुद्दे में, सिग्निफिकेंस ऑफ एंटार्क्टिका इन द क्लाइमेट चेंज.
रीजन क्या है क्यों भाई अंटार्कटिका क्यों इतना अहम है, क्यों इतना जरूरी है इस क्रूशल इस डिबेट में. वो कह रहा है क्रूशल एलिमेंट है बहुत, मतलब उसको हम नकार नहीं सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते अंटार्कटिका को. वजह क्या है उसकी, अब देखो यहाँ पर दो वजह दे रखी है. नंबर वन, ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैजंट सस्टेन्ड ह्यूमन पॉपुलेशन. पूरी दुनिया में सिर्फ ये एक मात्र जगह है जहां पर कभी इंसान नहीं रहा कॉन्टिन्यूसली. ह्यूमन बींग्स हैव नॉट लिव्ड हेयर कॉन्टिन्यूसली फॉर लाइक, जाते हैं रिसर्च के लिए और सम टूरिस्ट में भी गोइंग, बट ऐसे रह नहीं रहे वहां पर. और दूसरा उससे भी जरूरी क्या है, होल्ड्स इन इट आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस बिकॉज इट इज, आप जानते हैं आइस जो है वो प्रिजर्व कर लेता है, फॉसिल्स मिलते हैं उसके अंदर. तो बिकॉज एंटार्क्टिका हैज बीन आइस कवर्ड विद आइस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर तो उसके अंदर क्या है, हाफ उसके जो आइस कोर्स, कोर्स मतलब बहुत जो सबसे नीचे का जो हिस्सा है आइस का डीप डाउन, उसमें क्या है, हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स. तो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, मीन्स फॉसिल्स हैं, जो क्या हेल्प कर सकते हैं, टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट हैपन इन द अर्थ पास्ट, वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड वॉट इज द फ्यूचर, देन वी विल हैव टू गो टू एंटार्क्टिका. वी विल हैव टू डू कंडक्ट रिसर्च इन एंटार्क्टिका. That is the important. Antarctica is the place to go. वो उस जगह जाना पड़ेगा, उस जगह को समझना पड़ेगा, वहाँ रिसर्च करनी पड़ेगी, इसलिए कि वो प्लेस इंडिस्पेंसिबल है. इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, जिसके बिना आपका काम ना चले, दैट इज इंडिस्पेंसिबल. गॉट इट. सो दैट्स वन ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है और क्या सिग्निफिकेंस क्या है एंटार्क्टिका की प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन को समझने के लिए, ये अभी हमने किया. नाउ वी मूव ऑन टू अनदर पोर्शन ऑफ द लेसन जहाँ पर हमको काफ़ी क्वेश्चन लॉन्ग, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. ये जो है अभी जो हमने करे, ये पॉइंट्स हो सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. आप यहाँ से यूज कर, यू कैन यूज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम हेयर. एंड नेक्स्ट वन इट्स स्पेसिफिकली इसी के ऊपर आ रहा है. ये अभी जो हमने किया इसको तो आप आर्टिकल्स में भी यूज कर सकते हैं, डिबेट्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे जो आ रहा है वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द नोट्स यू कैन सी स्टूडेंट्स ऑन आइस. व्हाट इज दिस, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट वाज स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज अ प्रोग्राम. ओके, जैसे प्रोग्राम्स होते हैं लाइक वी हैव प्रोग्राम्स, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, तो ये एक प्रोग्राम था. सो हु हैड स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, इट वॉज स्टार्टेड बाई जॉफ ग्रीन, अ पर्सन जॉफ ग्रीन, नेम जॉफ ग्रीन. वेयर डिड ही बिलोंग टू, ही बिलोंग टू कैनेडा, सिंपल. नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप टेकिंग टूरिस्ट टू एंटार्क्टिका बिकॉज दे गिव बैक इन अ लिमिटेड वे. ये किया उसने, पहले क्या था, ही मस्ट बी अ काइंड ऑफ अ टूर ऑपरेटर, समझ लो टूर ऑपरेटर था वो, गाइड था या, और वो ले जाता था कहाँ, एंटार्क्टिका घुमाने ले जाता था लोगों को, उसने स्टॉप कर दिया. अच्छा, वो टूरिस्ट कौन होते थे ये भी समझना जरूरी है. हर एक तो जा नहीं सकता एंटार्क्टिका, रीजन क्या है, इट नीड्स लॉट ऑफ मनी. सो हु गो देयर, तो उसमें लिखा है रिच पीपल, क्यूरियोसिटी सीकर्स. क्यूरियोसिटी मतलब जो जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस न्यू प्लेसेस, स्ट्रेंज प्लेसेस, जहाँ नहीं गए, जहाँ बहुत कम लोग जाते हो. सो एंड रिटायर्ड पीपल, हॉलीडे सीकर्स, ऐसे लोगों को ले जाता था. तो उसने उनको ले जाना क्यों बंद किया, बिकॉज ही रियलाइज दैट दे गेव बैक इन अ लिमिटेड वे. मीनिंग उसे लगा यार ये लोग बहुत कुछ तो देते नहीं एनवायरमेंट को. ओके, इनसे एनवायरमेंट को ज़्यादा फायदा तो है नहीं, ये क्या देते हैं, ये पैसे देते हैं, मैं कमा लेता हूँ. ओके, इट्स अ गुड बिजनेस दैट आई एम रनिंग, टेकिंग दिस पीपल टू एंटार्क्टिका, बट व्हाट एम आई गिविंग बैक टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को मैं क्या दे रहा हूँ, इनसे मैं पैसा ले रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ, पॉल्यूशन भी डेफिनेटली स्प्रेड होता होगा उनके जाने से. तो ही रियलाइज, तो उसने कहा नाउ लेट मी चेंज. सो व्हाट डिड ही डू, ही स्टार्टेड टेकिंग स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स टू एंटार्क्टिका. रीजन टू प्रोवाइड देम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. उन वो जाके उनको वहाँ पे दे सी फॉर देमसेल्स के भाई क्या है एंटार्क्टिका और कैसे चेंज हो रही हैं चीज़ें, सो दैट इट इफेक्ट्स देम. क्या होता है उससे, हेल्प्स देम डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट. ये अब उसने उनको छोड़ दिया, ओल्डर पीपल को ले जाना, उसने कहा भाई इनको ले जाने से फ़ायदा नहीं है, यंगस्टर्स को लेके जाओ. यंगस्टर्स को ले जाने का क्या फ़ायदा है, दे आर एट एन इम्प्रेशनेबल एज लाइक यू पीपल. You people are at an impressionable age. If
यू हैव बीन टॉट अबाउट द एनवायरमेंट सिंस चाइल्डहुड, तो आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं. टुमारो यू विल बिकम द फ्यूचर लीडर्स, यू मे बिकम द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, द डिसीजन मेकर्स, द ब्यूरोक्रेट्स, द ऑफिसर्स, द टेक्नोक्रेट्स, आप लोग बनेंगे. तो आप एक्ट कर सकते हैं, आप एनवायरमेंट के फेवर में कुछ डिसीजन ले सकते हैं. एक बंदा 60 साल का है, रिटायर हो गया, वो क्या करेगा एनवायरमेंट के लिए? कांट डू मच, डिसाइसिव एक्शन नहीं ले सकता. सो उसने कहा यंगस्टर्स में चेंज लाने के लिए हमें इनको दिखाना जरूरी है कि भाई एंटार्क्टिका में क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो ऐसा उसने किया. नेक्स्ट लाइन सेज, जियोफ ऑफर्स द लीडर्स ऑफ टुमारो ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू लर्न, एब्जॉर्ब एंड एक्ट डिसाइसिवली. राइट, दिस यू हैव टू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इफ यू गेट अ लॉन्ग क्वेश्चन टू राइट ऑन स्टूडेंट्स ऑन आइस, देन यू विल हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड.